एवरीवन, वेलकम टू चटपटे किस्से मीठी कहानियां। मैं हूं नूतन और आज मैं बना रही हूं कटोरी चाट। ये डिलिशियस और टेस्टी चाट सर्व की जाती है क्रंची कटोरी में। फिलिंग आप अपने हिसाब से बनाइए और इसको सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चटपटा किस्सा और देखते हैं किस तरह से बनाई है मैंने कटोरी चाट। कटोरी चाट के लिए सबसे पहले तैयार कर लेते हैं टेस्टी और क्रंची कटोरियाँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप मैदा और 2 कप मैदा के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूजी। नॉर्मल सूजी है, पैकेट्स में जो मिलती है मार्केट में, ये सूजी मैं ले रही हूँ। और सूजी इसलिए ले रही हूँ कि कटोरियाँ जो है वो ज़्यादा क्रंची और ज़्यादा खस्ता बने, क्रंच उसमें बरकरार रहता है, तभी इनको खाने में मज़ा आता है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल है, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप तेल मैंने यूज़ किया है इसके लिए। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब अजवाइन, हाथों से रब करके इस अजवाइन को इस मैदे में डाल दूँगी। और साथ में मैं यहाँ पे लूँगी कसूरी मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी है, उसको भी अपने हाथों से, अपनी हथेलियों की हेल्प से चूरा करके मैं इस आटे में मिक्स कर दूँगी। और अब मैं ले रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैंने इसमें करीब 1 से 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से मैं करूँगी मिक्स। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, ऑयल को इस आटे में हमें मोइन करना है, तो खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने हथेली की मदद से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप गर्म पानी, ये पानी इतना गर्म है कि मैं इसको अच्छे से टच कर पा रही हूँ। उतना गर्म लें जितने को आप अच्छे से टच कर सकें, क्योंकि सूजी का यूज़ किया है तो गर्म पानी यूज़ करने से सूजी सॉफ्ट रहती है और जल्दी फूलती है, तो इसलिए मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। और अब अपनी हथेलियों की हेल्प से खूब अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो बनाऊँगी। ध्यान रखना है डो को सॉफ्ट रखना है, क्योंकि सूजी जो है वो पानी पीती है, तो जब आप गूंदेंगे उस समय ये डो सॉफ्ट रहेगा, तभी ये सूजी जो है गूंदने के बाद जब हम इसको रखेंगे तो ये पानी पिएगी और ये फूलेगी, तो डो अपने आप सख्त हो जाएगा। मैंने 1 कप पानी लिया है, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि कितना पानी मैंने यूज़ किया है इसको गूंथने के लिए। और अब मसल मसल के इस तरह से अपने हाथों की हेल्प से इस डो को अच्छे से गूंथ लेना है। और देखिए मैंने अच्छे से मसल के इसको एक सॉफ्ट डो बना लिया है अच्छा सा। देखिए एकदम सॉफ्ट है ये डो, थोड़ा गीला है, नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उसी तरह का डो है, उसे थोड़ा गीला ही कहूँगी। और अब मैं इसको कवर करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ूंगी जिससे ये सूजी फूल जाए। और देखिए 1/4 कप पानी इसमें बच गया है, मैंने 1 कप पानी लिया था, इतना पानी लगा है। और देखिए पूरे 30-35 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था कवर करके, और एक बार मैं हल्के हाथों से इसको अच्छे से मसल करके दोबारा से गूंथ लूँगी। देखिए अब सूजी जो है फूल चुकी है, इसमें दाने नहीं रह गए हैं क्योंकि हमने इसको गर्म पानी से गूंथा था, और ये डो जो है वो पहले से थोड़ा सख्त हो गया है क्योंकि सूजी जो है पानी पीती है। और इस तरह से मसल मसल के एक बार में डो को और अच्छे से गूंथ लूँगी जिससे ये थोड़ा और स्मूथ हो जाए। 3-4 मिनट के लिए बस हो गया। और देखिए ये तैयार हो गया है हमारा डो। अब मैं तोड़ लेती हूँ इसकी लोइयाँ। जितनी साइज की हमें कटोरियाँ बनानी है उस हिसाब से हमें इसमें लोइयाँ तोड़नी है। जितना रोटी बनाने के लिए हम लोई तोड़ते हैं ना, उतनी ही लोई मैं इसकी बना रही हूँ। और मीडियम साइज की कटोरियों में मैं इसको बनाऊंगी, तो इस हिसाब से मैं लोइयाँ तोड़ रही हूँ। और जितनी आपको बड़ी कटोरी बनानी है उसी हिसाब से आप लोइयाँ तोड़िए। और देखिए इस तरह से स्मूथ सी मैंने लोइयाँ इसकी बना के तैयार कर ली हैं। एक गीला कॉटन का कपड़ा लिया है, उससे इन लोइयों को ढक दूंगी। और अब एक एक लोई लेकर के हम जो है इसकी चपाती बेल लेंगे। इसको बेलने के लिए ना मुझे ऑयल की नीड हो रही है और ना ही सूखे आटे की, आराम से बेल रहा है क्योंकि हमने इसमें जो डो है इसको बनाने के लिए ऑलरेडी ऑयल का यूज़ किया है, तो अच्छे से मैं इसको बेल पा रही हूँ। बार बार इसको पलटते हुए हर तरफ से मैं इसको स्मूथ बेल रही हूँ। इसको थोड़ा रोटी से पतला रखना है, बहुत मोटा नहीं रखना है। और इस तरह की एक मीडियम साइज़ की कटोरी ली है और अब इस रोटी को मैं इसके चारों तरफ से लगा लेती हूँ। और देखिए इस तरीके से अपने हाथ की हेल्प से मैंने इसको इसमें फिट कर लिया है, और जो अनइवन एजेस हैं उसको इवन कर लेती हूँ, एक बराबर कर लेती हूँ, चाकू की हेल्प से कट कर लेती हूँ जिससे जो कटोरियाँ हैं वो दिखने में अच्छी लगे।
और देखिए इस तरह से इसके जो साइड्स थे, जो अनइवन थे, उनको मैंने कट कर लिया है। और अब मैंने लिया है एक फोक, उसके हेल्प से मैं इसमें होल्स पोक कर देती हूँ, जिससे जो ये पूरी है ये फूले नहीं, वरना ये कटोरी जो है ना ये फूल जाएगी और ये अच्छी नहीं बनेगी, ये जिसका शेप है वो भी बिगड़ जाएगा। और इस तरह से इस पूरी में जगह जगह पे मैं होल पोक कर ले रही हूँ, जिससे ये पूरी फूले ना। और देखिए मैंने होल को पोक कर लिया है। अब इसी तरह से मैं बाकी की कटोरियाँ भी तैयार कर लेती हूँ। और एक बात ध्यान रखने की है कि कटोरियों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, जिससे पूरी जो है वो आसानी से निकल जाए। अगर कटोरियों को ग्रीस नहीं करेंगे ऑयल से, तो जो पूरियाँ हैं वो चिपक जाएंगी कटोरी में और निकालने में दिक्कत होती है। आप चाहें तो पूरी में पहले भी होल पोक कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन पूरियों को कटोरी पर लगाते हैं ना, इनको शेप देते हैं, तो जो होल हैं वो फिर से बंद हो जाते हैं, तो हमें दोबारा से होल्स इसमें करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज पूरियाँ जो हैं वो फूलने लगती हैं। और अब मैंने लो फ्लेम पे गैस में रख दिया है ऑयल हीट होने के लिए। मैं सरसों के तेल में इनको फ्राई करूंगी, तो मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर ली है कटोरियाँ। और ऑयल को मैंने लो हीट पे गर्म करने के लिए रखा है, तो लो टू मीडियम में ही हम इन कटोरियों को सेकेंगे। देखिए ऑयल इस समय पे गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये एक कटोरी और इसको फ्राई कर देती हूँ। इस समय पे मैंने फ्लेम को लो रखा है, मैंने लो फ्लेम पे ही ऑयल को हीट किया है। जब मुझे लगेगा कि ऑयल ठंडा होने लगा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगी और फिर से मैं इसको लो कर लूंगी। और देखिए एक तरफ से ये कटोरी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इस तरह से नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा मैंने इसको रन कराया है और इसको कटोरी को निकाल लिया है अलग। और देखिए इस तरीके से अब मैं इसको उल्टा कर देती हूँ और दोनों तरफ से अच्छे से मैं इसको सेक लूँगी। और करीब एक मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से टर्न कर लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑयल फिल कर लेती हूँ। ये गर्म तेल है, इससे ये जो कटोरी है वो अंदर की तरफ से अच्छे से सिकेगी। एक बार फिर से ऑयल को खाली करके दोबारा से मैं इसमें हल्का सा ऑयल भर लूँगी, जिससे कि जो गर्म तेल है वो जब इसके अंदर जाएगा तो ये अच्छे से फ्राई होगी। और देखिए ये कटोरी जो है, इसी तरह से मैं 2-3 बार ऑयल को इसमें भरूँगी और इसी तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और देखिए इस समय पे कटोरी जो है वो गोल्डन ब्राउन फ्लाई हो गई है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होने तक नहीं सेकना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें इसे सेकना है। और जो एक्सेस ऑयल है उसको निकालने के लिए इस तरह से मैं इसको जालीदार करछी में निकाल रही हूँ और इसको प्लेट पे रख दूंगी, जिससे जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब इसी तरह से बाकी की कटोरियाँ भी हम सेक लेंगे। देखिए अभी भी जो तेल है वो मुझे हल्का ठंडा लग रहा है, तो मैंने जो फ्लेम है उसको मीडियम कर दिया है 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से मैं इसको लो कर दूंगी। और इस तरह से नाइफ को रन कराते हुए मैं कटोरी को निकाल लूंगी। कटोरियां अच्छे से निकल जाती हैं, क्योंकि मैंने कटोरियों में जो है वो ऑयल को ग्रीस कर लिया था, तो कटोरियों ने छोड़ दिया है इस बाहर की पूरी को। और अब जैसे ही आपको लगे कि ऑयल ठंडा हो रहा है, तो आपको फ्लेम को हल्का सा बढ़ाना है, उसके बाद फिर लो कर देना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इनको सेकेंगे तो ये जल्दी तो सेक जाएंगी, लेकिन इनमें क्रंच नहीं रहेगा। कटोरियों में क्रंच होना ज़रूरी है। देखिए कितनी परफेक्ट कटोरियाँ बनके तैयार हो रही हैं। इस तरह से ऑयल इसमें फिल करना है, ऑयल को गिरा के दोबारा फिर हमें इसको फिल करना है, जब तक ये अच्छे से सिक ना जाए। और इसी तरह से मैं इसको भी गोल्डन ब्राउन सेक लूँगी। लाइट ब्राउन हमें इसको करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। आप इन कटोरियों को बनाकर 15 से 20 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और ये कटोरी भी सिक्के हो गई है तैयार, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, सेम जालीदार करछी में रख देती हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने जो कटोरियाँ हैं वो फ्राई कर ली हैं। और अब हम कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। एक कटोरी मैंने प्लेट पे ले ली है और अब मेरे पास यहाँ पे हैं बॉइल्ड चने, काले चने हैं, जिनको मैंने नमक डाल के प्रेशर कुक कर लिया है अच्छे से। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून के करीब। कटोरियों का साइज़ अच्छा है, मीडियम साइज़ की कटोरी में बनाने पर ये ठीक ठाक साइज़ में आ जाती है। और अब मेरे पास है यहाँ पे स्प्राउटेड मूंग। ये जो स्प्राउटेड मूंग है, इसको भी मैंने 2 मिनट के लिए नमक डाल के हल्का सा कुक कर लिया है, बिना ऑयल के हल्का सा नमक और पानी डाल के कुक किया है 1.5 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, क्योंकि जो स्प्राउट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादा कुक करने पर। और अब मेरे पास है यहाँ पे पापड़ी, इसको मैंने क्रश कर लिया है हाथों से। ये पापड़ी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रंच रखने के लिए इसकी फिलिंग में। और अब मैंने जो हंग कर्ड है उसको बीट कर लिया था। मैंने दही को एक कपड़े में कॉटन के टांक लिया था 3-4 घंटे के लिए, उसका पानी निकाल के उसको हल्का सा बीट कर लिया है। इस कर्ड में मैंने चीनी और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लिया था, अपना घर का बनाया हुआ। और ये कर्ड मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन सॉस, हरी चटनी है पुदीना और धनिया से बनी हुई, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इमली और अमचूर से बनी हुई घर की ये सौंठ। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये जो सौंठ है। और अब फिर से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पापड़ी, और साथ में मैं इसमें फिर से ऐड कर रही हूँ ये ग्रीन सॉस। और अब मेरे पास यहाँ पे है घर का बना हुआ ये स्पेशल चाट मसाला, जिसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक भी मिला दिया है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, जीरा, सौंफ, अनारदाना को भून करके मैंने पीस लिया है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है चाट मसाला। और अब फिर से ऐड करूँगी फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा दही, जिससे ये दिखने में अच्छा लगे। और अब मेरे पास है यहाँ पे कुछ अनार के दाने, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में थोड़ी सी ग्रीन चटनी मैंने और ऐड कर ली है। देखिए तैयार हो गई है टेम्प्टिंग और डिलीशियस कटोरी चाट। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।